हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है तो देखिए अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एडिशन टू ए कार्बन हाइड्रो मल्टीपल बॉन्ड को को कंटिन्यू करेंगे तो देखिए इस यूनिट का अभी हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर एट मैं आपको ऑलरेडी सेवन लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ तो आज के इस एथ लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है आपको पता है हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर पे हमने मैनिक कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर पर हम हमारी नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन जो है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन इस पे डिस्कशन लेंगे ओके तो आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन पे ओके अब देखो आपको पता है हम ये कंडेंसेशन रिएक्शन किसके एस्पेक्ट पर पढ़ते हैं हम फर्स्टली देखते हैं ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है फिर हम देखेंगे ये रिएक्शन क्या दिखाती है मैकेनिज्म क्या है एग्जाम्पल क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पर को डिस्कस कर दिए ओके जैसे हम लास्ट के लेक्चर से करते आ रहे हैं सेम वही फॉर्मेट में हमने हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ना है ठीक है तो अब हम स्टार्ट करें लेक्चर को तो बहुत आसान लेक्चर है आपको भी क्लियर होने वाला है आप जो सुनते रहिएगा ठीक है थीके? तो स्टार्ट करते हैं ओके तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑन अ कंडेंसेशन रिएक्शन इंट्रोडक्शन ऑन अ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ओके तो देखो ना बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के इंट्रोडक्शन पे मैं आपको जैसे बोलूंगी कि जैसे मैं आपको लास्ट के बार बार एक्सप्लेन रही हूँ कि कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है कंडेंसेशन रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं और उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पर आपको कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर जैसे अल्कोहल को रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट करना होता है और इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन ओके तो यहां पर को अगर हम पर्टिकुलरली बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं जो एलिमिनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं वाटर एंड अल्कोहल ओके तो यहां पर मैं लिख देती हूँ रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने बोला कि कंडेंसेशन रिएक्शन में आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे ओके okay? बट जब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे आपके कुछ मॉलिक्यूल कंडीशन से एलिमिनेट होंगे अगर हम पर्टिकुलरली बेंजोइन कंडेंसेशन की बात करें तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जो ग्रुप एलिमिनेट होते हैं वो होते हैं आपके वाटर, वाटर के साथ होता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप तो ये ग्रुप आपने रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट करने होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन इस टाइप के रिएक्शन के फॉर्मेट को कहाँ देखा जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन में देखा जाता है ओके तो पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन में ये रहता है बार बार ओके और दूसरा पॉइंट क्या रहता है आपको पता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन में जब हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंडेंस करते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस केस में जो हमको ये सिंगल प्रोडक्ट मिलता है इस प्रोडक्ट में हमें एक नया सीसी बॉन्ड देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है नया कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है ठीक है तो प्रोडक्ट में आपको एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगा ये हो गया दूसरा पॉइंट और तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा जो कंडेंसेशन रिएक्शन से रिलेटेड है वो ये कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम ये कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हमारे पास जो ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जैसे मैनिक में हमारे पास तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे ठीक है तो मैंने आपको बोला था उन तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक एज ए रिएक्टेन एक एज ए न्यूक्लोफाइल एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो सारी कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको यही चीज माइंड पर रखनी होती है कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इन रिएक्टेड मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा दूसरा रिएक्टेन मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लोफाइल बिहेव करेगा और इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन कैसे होगा इन दोनों के बीच में डायरेक्ट अप्रोच होगा न्यूक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से जैसे ही अप्रोच करेगा न्यूक्लोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये सिंगल बॉन्ड कैसा होना चाहिए सीसी बॉन्ड होना चाहिए ठीक है

एक की की तरह behave करेगा, reactant molecule, की तरह behave करेगा, करेगा। दूसरा अगर एक electrophile, एक इलेक्ट्रोफाइलोफाइल है तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करेंगे आपको पता है न्यूक्लोफाइल डायरेक्टली अप्रोच करेगा इलेक्ट्रोफाइल से और एक डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा सिंगल बॉन्ड यानी कि जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो जो कंपाउंड जो species आपको मिलेगी उसी को हम बोलेंगे प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के पास एक न्यूक्लोफ्लिक और इलेक्ट्रोफ्लिक सिंगल बॉन्ड होता है जो कि कैसा बॉन्ड होना चाहिए सिर्फ सीसी बॉन्ड होना चाहिए ठीक है यहाँ पर कोई को दूसरा बॉन्ड जैसे सीओ बॉन्ड एनओ बॉन्ड ऐसा बॉन्ड कोई नहीं होगा यहाँ पे आपको एक सिंगल सी सी बॉन्ड देखने को मिलेगा तो ये सारे बेसिक पॉइंट है आपके बेंजोइन कंडेंसेशन के ठीक है ये चीज मैं आपको लास्ट के लेक्चर से मैं ये सारे कंडेंसेशन रिएक्शन में ये तीन पॉइंट आपको स्टार्टिंग में हमेशा बताती हूँ ठीक है इतना आपको समझ में आया अब हमारा अगर इंट्रोडक्शन ऑन बेंजोइन कंडेंसेशन हमने देखना है तो हमको क्या देखना है? की तो हमको पता चल अब में हमने ये देखना है कि अगर हम लोग की बात कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन के केस में हमारे पास कौन से दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहते हैं जिनको हम आपस में कंडेंस करते हैं और अगर ये दोनों आपस में कंडेंस हो गए एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक एज ए न्यूक्लियोफाइल तो इनके कंडेंसेशन के बाद हमें किस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्टेन होगा ठीक है होता क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन के केस पर जो हम ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास रहते हैं तो मैं इसे आर वन बोल देती हूँ इसे आर टू बोल देती हूँ तो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम टाइप के होते हैं ठीक है यानी कि यहाँ पे क्या होती है होमो कपलिंग होमो कपलिंग मतलब कपल कर रहे हैं दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल आपस में कपल कर रहे हैं और दोनों रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या है सेम टाइप के तो यहाँ पर होमो कपलिंग होती है तो ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं तो देखो यहाँ पर जो आप मॉलिक्यूल लेते हैं हैं वो होते हैं आपके एल्डिहाइड ओके यानी कि यहाँ पे आपने दो एल्डिहाइड ग्रुप लेने हैं okay? ओके अब जनरली हम कौन से एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जनरली हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स यहाँ पर को लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब जैसे आप बोल सकते हैं बेंजल्डिहाइड तो यहां पर को हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है एल्डिहाइड हाइट का यूज करते हैं जो कि एक टाइप का क्या हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब ऐसा एल्डिहाइड जो एरोमेटिक ग्रुप से अप्रोच कर रहा ओके अब क्या है कभी कभी हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के बदले भी हम लोग टाइप एल्डिहाइड का यूज करते हैं टाइप टाइप एल्डिहाइड मतलब ये एक के क्या है? ना होते हैं एरोमेटिक एलिफेटिक एलडीहाइड होते हैं ओके और इनमें क्या होता है जो एल्डिहाइडेड ग्रुप होते हैं वो दो नंबर के होते हैं मतलब देखो मैं इनको ऐसे बना देती हूँ ये देखो ये हो गया मेरा एक एल्डिहाइड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा मेरा ये सी डबल बॉन्ड ओ एक यहां पर हो जाएगा एच तो ये जो ग्रुप मेरा बना ये एक टाइप का लीनियर

के थ्रू प्रोसीड कराते हैं और वो कैटलिस्ट कैसे होते हैं कैटलिस्ट होते हैं आपके एन एनहा कार्बे या फिर आप बोल सकते हैं साइनाइड ओके तो यहाँ पर को आपके एन एन ऐसे लिखेगा हेट्रोसाइक्लिक कार्बीस का भी आप एज कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं और साइनाइट का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख लू एन एसियन एनएसियन यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है केसीएन यहां पर एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है इसके साथ साथ यहाँ पर को हम लोग थायामाइन का भी यूज करते हैं थायामाइन मीन्स विटामिन बी का भी हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट ठीक है तो ये यहाँ पर को एज अटलिस्ट और न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव करते हैं ठीक है तो रिएक्शन किसकी में प्रोसीड होती है या फिर न्यूक्लियोफाइल जैसे आपने यहाँ पर साइनाइड ले लिया साइनाइट uh, किसके फॉर्म में ले लिया है एनसी एन की फॉर्म में ले लिया KCN के सी एन के फॉर्म में ले लिया या फिर आप यहाँ पर को कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं जैसे एन हेड्रोसाइकल्स कार्बिन ओके तो आपकी जो रिएक्शन है वो कैटलिस्ट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है ओके okay? और अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आपको एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो ये प्रोडक्ट क्या होता है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं असायलियोन या फिर आप बोल सकते हैं बेन्न ओके तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो होता है असायलियोन ये जो मिला ये था आपका असायलियोन या फिर आप बोल सकते हैं बेंजोइन ठीक है अब ये असैलियॉन और बेंजोइन क्या होते हैं तो ये भी सुन लीजिए असैलियॉन और बेंजोइन क्या होता है एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है अल्फ़ इसको मतलब आप बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनो के तो असैलियॉन को आप क्या बोल सकते हैं इससे नाम से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा बट अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो अब आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब आपके पास एक कीटो का कंपाउंड होगा उस उसकीटो के कंपाउंड की अल्फा पोजीशन में क्या होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप अप्रोच कर रहा होगा तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा असाइलियन और ये ही असायलियोन को आप क्या बोलते हैं बेन्जोइन ओके तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसे आप असाइलियोन भी बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं और चाहे तो आप इसे बेनजॉइन भी बोल सकते हैं तो ये कंपाउंड आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको आफ्टर कंडेंसेशन रिएक्शन आपको ऑब्टेन होता है इतनी चीज क्लियर आए तो ये जस्ट आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा इतनी चीज क्लियर आए ना वापस से रिपीट कर रही हूँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड एल्डिहाइड भी हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए बेन्जेलडीहाइड या फिर आप यहाँ पर को ग्लाइक्ल यानी कि एलिफेटिक एल्डिहाइड का भी यूज कर सकते हैं ठीक है बट ये जो ग्लायोग है जो एक टाइप का एलिफेटिक एल्डिहाइड है ये नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं है ये एक टाइप का डाई एल्डिहाइड है यानी कि यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप कितने मिलेंगे दो मिलेंगे एक साथ ठीक है तो यहाँ पर ये अगर रिएक्टन करेंगे और प्रोडक्ट आपको कौन ऑप्टेन होगा आफ्टर कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको असाइलियन जिसे आप बेंजोइन भी बोलते हैं बेंजोइन के बदले आप इसे सिंपल लैंग्वेज में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं यानी कि कीटोनिक ग्रुप होगा उसके अल्फा पोर्स में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अप्रोच कर रहा होगा तो बन जाएगा आपका बेंजोइन ओके okay? और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में प्रोसीड हो रही है

प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन कंडीशन हमने क्या क्या चीज ध्यान पर रखनी है और आपको बता दिए ये कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसमें वाटर और साथ ही साथ हम एल्कोहल को एज अ एलिमिनेटिंग ग्रुप ले सकते हैं ठीक है थीके? तो ये हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया ओके इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज लिखी बेंजोइन कंडेंसेशन से रिलेटेड ये बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसे फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था आपके जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था लाइबिक एंड फ्रेड फ्रेडरिक वॉलर ओके तो ये आपके दो केमिस्ट जो कि जर्मन केमिस्ट हैं इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये सिंथेसिस को ऑब्जर्व किया और uh, ये जो मेथड है ये जो मेथड इन्होंने यहाँ पर दिया बेंजोइन कंडेंसेशन जिसे हम बोल रहे हैं ये सबसे बढ़िया सबसे क्लासिकल वे है

ये हमारी क्या होती है एक टाइप की कपलिंग रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन मतलब दो रिएक्टन मॉलिक्यूल आपस में कपल कर रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको ये चीज मैं बार बार बता रही कि ये जो दोनों रिएक्टेन मॉलिक्यूल है इनमें से एक न्यूक्लोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा आपके लिए टारगेट यही रहता है कि आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जब आप इसकी मैकेनिज्म कराएंगे ना तो आपका टारगेट यही रहता है आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में न्यूक्लोफ्लिक और इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर बनाओ क्योंकि अगर आपने न्यूक्लोफ्लिक और इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर बना दिया तो आपको पता है और इलेक्ट्रोफाइल तो आसानी से अप्रोच कर देंगे अगर आपके पास न्यूक्लोफाइल है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इतने अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लोफाइल को किसकी नीड होती है इलेक्ट्रोफाइल की तो न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा न्यूक्लो फाइल अपने इस चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और यहां पर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लोफाइल के ऊपर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर को ऑब्जर्व ऑब्जर्व होगा होगा जो हो जो आपको आफ्टर बॉन्डिंग मिलेगी वो होगा आपका प्रोडक्ट ठीक है तो आपका मेन चीज यही रहता है कि आप अपने रिएक्टिव मॉलिक्यूल में एक को न्यूक्लोफाइल और एक को इलेक्ट्रोफाइल बना ओके बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मैं आपको हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप न्यूक्लोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल तो बनाएंगे बट ये और इलेक्ट्रोफाइल में जो सेंटर होगा वो कार्बन होगा यानी कि न्यूक्लोफाइल कार्बन के ऊपर ही होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है कार्बन के ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि अगर ये दोनों अप्रोच करेंगे तब ही जाके हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड हमको ऑप्टेन होगा ठीक है इसके अलावा हमको कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑप्टेन नहीं होगा अब आगे बढ़िए अब देखो लास्ट चीज ये लिखिए और ये बोल रहा है यहाँ पर होमो कपलिंग हो रही है होमो कपलिंग मीनस क्या हो रहा है कि यहाँ पर कपलिंग तो हुई बट कपलिंग किसके बीच में हुई सेम ग्रुप्स के बीच में हुई ठीक है तो देखो ये जस्ट इतना जो पार्ट था ये हमने किस में इन्वॉल्व किया बेन्जोइन कंडेंसेशन के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे तो जस्ट इतना इंट्रोडक्शन अपने माइंड पर रखिएगा आगे की चीजें खुद क्लियर होंगी तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं हम हमारी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पे रिएक्शन पे जिसमें आपको रिएक्शन दिखाऊंगी रिएक्टेंट ये थी प्रोडक्ट आपको ये मिला लेकिन मैंने आपको बोलती हूँ रिएक्शन में आप घिचिर मत कीजिएगा रिएक्शन को बिल्कुल क्लीन लिखिएगा जितने भी एरो वैरो लगा के आपको दिखाना है शो करना है कि आपकी रिएक्शन में क्या हुआ ये सारा पोर्शन आप मैकेनिज्म में इन्वॉल्व कीजिएगा ठीक है तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन ओके तो देखो रिएक्शन आपको क्या बोल रही है तो हमने बोला था हमको दो रिएक्टेड मॉलिक्यूल चाहिए आर वन एंड आर टू और ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे एल्डिहाइडिड कंपाउंड होने चाहिए और एल्डिहाइडिड कंपाउंड आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं एलिफैटिक भी हो सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एरोमेटिक लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन का जो मेथड है वो एक सबसे बढ़िया और क्लासिकल वे है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए बेंज़ल्डिहाइड टू बेंजोइन ओके तो बेंज़ल्डिहाइड आपका एक टाइप का एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो हम यहाँ पर को एरोमेटिक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं तो हमने यहाँ पर दो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए दोनों हमारे बेंज़ल है और अगर ये दोनों बेंज़ल है तो यहाँ पे जो कपलिंग हुई हमारी वो कैसे कपलिंग हुई होमो कपलिंग कपलिंग मतलब कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कपल कर गए क्योंकि एक को हमने न्यूक्लोफाइल में कन्वर्ट करना होगा एक को हमने इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना होगा और ये दोनों आपस में कपल करेंगे ऐड करेंगे तो ये है तो एक टाइप की कपलिंग प्रोसेस और कपलिंग भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल में हो रही है तो ये हो जाएगी होमो कपलिंग ओके और रिएक्शन कंडीशन में देखो आपको साइनाइड आयन दिया यानी कि यहाँ पर को आप न्यूक्लोफाइल का यूज कर रहे हैं और जैसे न्यूक्लोफाइल के प्रेजेंस में आपने इन दोनों की कपलिंग कराई तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि बेंजोइन का फॉर्मेशन मिला बेंजोइन मतलब क्या होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर को आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन छो हो रहा होगा देख सकते हैं आप एक में रुकिएगा कीटोन देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब ये आपका कीटो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी अल्फा पोजीशन क्या हुई ये इसकी अल्फा पोजीशन हुई ये भी आपकी अल्फा पोजीशन हुई तो इस अल्फा पोजीशन में आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी देखने को मिल रहा है इट मींस क्या हो गया ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो का कंपाउंड ओके तो यही स्ट्रक्चर आपको बेंजोइन आपको लास्ट में एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑप्टेन करना था ठीक है तो ये चीज आपकी रिएक्शन में शो करानी है ज्यादा कुछ आपने यहाँ पर को लिखना नहीं है ठीक है अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है वो ये कि देखो ना यहाँ पर हम जो रिएक्शन कंडीशन ले रहे हैं इसमें न्यूक्लोफाइल का यूज कर रहे हैं न्यूक्लोफाइल का यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कंडीशन में हमने क्या करना है इन्वॉल्वमेंट कराना जब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगी तो जैसे अभी हमको लग रहा है हमने कुछ कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी पड़ी थी जिसमें हम कुछ नहीं करते थे बाहर से कुछ लाते वाते नहीं थे हम क्या करते थे मतलब बाहर से कोई कैटलिस्ट वगैरह का यूज नहीं करते थे हम जस्ट अपने एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल को न्यूक्लोफाइल में कन्वर्ट करते थे एक को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करते थे एंड देन ये दोनों कन्वर्ट हो जाते थे देन इनका अप्रोच करा के कपल करके प्रोडक्ट बना देते थे लेकिन इस केस में बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में आपको बाहर से साइनाइड एज अ न्यूक्लोफाइल दिया हुआ है यानी कि यहां पर आपको एक बाहर से न्यूक्लोफाइल दिया हुआ है तो इस न्यूक्लोफाइल को भी पहले आप रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे अगर दिया है तो इसका मतलब रिएक्शन में ये भी इन्वॉल्व होगा और इसी के इन्वॉल्वमेंट से आपको न्यूक्लोफाइल ऑप्टेन होगा न्यूक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इसी के आपको होंगे ठीक है तो कंफ्यूज मत होइए अभी जिस रिएक्शन देखो मैं आपको आगे मैकेनिज्म शो कराती हूँ तो देखो ना मैकेनिज्म में ये थ्योरी मैंने आपके लिए लिखी हुई आपको एग्जाम पर्पज के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अब ये पूरी थ्योरी को मैं यहाँ पर ऐसे पढ़ नहीं रही हूँ मैं आपको जिस यहाँ पे शो करा रही हूँ मैंने स्टेप वाइज आपको फॉलो कर है, तो तो क्या है 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 ये benzoin condensation की जो mechanism है, वो तीन तीन में में होती ठीक आपने करानी और आपको last में आपका प्रोडक्ट कि अल्फा हाइड्रोक्सिकेटो आपको ऑप्टेट हो जाएगा ठीक है अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुए बहुत आप जो सुनते रहिएगा ठीक है तो ये क्या बोल रहा है देखो पहला हम स्टेप फॉलो करते हैं तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है देखो ये बोल रहा है पहले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है पहला स्टेप है आपका न्यूक्लोफिक एडिशन ऑफ ए साइनाइट विदीहाइट टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन ओके तो क्या करना है आप अपना पहला रिएक्टिव मॉलिक्यूल लेंगे चाहे आप पहला लो चाहे आप सेकंड लो आपके पास दोनों में क्या है है तो आपने यहां पर लिया बेन्जल हाँ और इसका अप्रोच किससे करा है आपको रिएक्शन कंडीशन में साइनाइड दिया यानी कि न्यूक्लोफाइल दिया है तो यहाँ पर साइनाइड एज अ न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो फर्स्ट मैप, जो पहला स्टेप होगा मैकेनिज्म का उसमें आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अप्रोच कराएंगे अपनी रिएक्शन कंडीशन में जो न्यूक्लोफाइल दिया है

मैंने क्या बोला था जब आपको रिएक्शन कंडीशन में कोई फोटॉन्स कोई रेडिएशन गिवन होगी उस केस में आप होमोलिटिक क्लीविस कराएंगे यानी कि इक्वल क्लीविस कराएंगे ओके लेकिन अगर कोई रेडिएशन वगैरह नहीं दी है तो यहाँ जो क्लीविज होगी वो होगी हेट्रोलाइटिक ओके और हेट्रोलाइटिक क्लीविस आपको क्या बोलती है कि आपने क्लिविस कैसे करानी है अनइक्वली करानी यानी कि इक्वल क्लीवेज नहीं करानी आप क्या करेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड बैठा हुआ है इसको क्लीव कैसे करेंगे इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसे एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर देंगे मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर ना करते हुए एक ही एटम को शेयर करेंगे

शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहती है यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे और वो एटम कौन होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन एंड कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन को क्या मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये तो बेसिक है ये तो आपको मालूम था तो इतना हमने यहाँ पर किया ठीक है अब आप देखो आपके आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अब आपके पास इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर है बिल्कुल है ये आपका कार्बन पॉजिटिव क्या हो गया इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर अब आप अपने न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करा सकते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ठीक है तो आपको बस यही चीज माइंड पर रखनी है कि न्यूक्लोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट कर दो तो हुआ क्या यहाँ पे आपका साइनाइड आयन ने किससे अप्रोच किया इस नेगेटिव सॉरी साइनाइड नेगेटिव ने किससे अप्रोच किया इस कार्बन पॉजिटिव से ठीक है तो जैसे ही अप्रोच किया तो क्या होगा ये जो साइनाइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लगा ये किस नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तो साइनाइड अपने इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में और जैसे यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आपके साइनाइड के ऊपर से नेगेटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा बेंजीन बेंजीन के साथ कार्बन कार्बन के ऊपर ओ नेगेटिव हाइड्रोजन एंड एक साइड हो गया आपका साइनाइड ग्रुप चीज क्लियर है अब इनके ऊपर से चार्ज भी एलिमिनेट हो गए क्योंकि आपको समझ में है क्योंकि साइनाइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो भी खत्म हो गई ठीक है अब आपको कुछ ऐसी स्पीशीज देखने को मिली ओके अब आप क्या करते हैं ना अब आप लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल ठीक है वाटर मॉलिक्यूल से आप क्या लेते हैं हाइड्रोजन मतलब आपको क्या चाहिए एक फोटोन चाहिए बाहर से आपको क्या चाहिए एक एच पॉजिटिव आयन चाहिए ठीक है तो ये चीज माइंड पर रखेगा अगर आप किसी रिएक्शन में एच पॉजिटिव आयन को बाहर से लेते हैं तो रिएक्शन खत्म होने से पहले आप उस एच पॉजिटिव आयन को रिएक्शन से बाहर भी निकालते मतलब, आप बाहर से ले रहे हैं ताकि आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो पाए लेकिन इस एच पॉजिटिव आयन का रिएक्शन के अंदर कोई भी यूज नहीं होता ठीक है आपने इसे बाहर से लिया है रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए तो रिएक्शन खत्म होने से पहले आप इस एच पॉजिटिव आयन को अगेन रिएक्शन कंडीशन से बाहर डाल देंगे एलिमिनेट कर देंगे ठीक है तो हमने रिएक्शन प्रोसीड करानी थी तो हमने वाटर मॉलिक्यूल से H -positive लिया और H -positive आपको पता है अगर आएगा तो ये अप्रोच करेगा से करेगा और आपको क्या दिख जाएगा यहां पर hydroxy group. तो रिंग ये आपका हो गया ग्रुप साइनाइड और ये जो आपको मिली इसी को बोला जाता है so, साइनो हाइड्रोन ओके okay? तो आपको यही चीज यहाँ पर बनानी थी पहला स्टेप था मैकेनिज्म का कि आपने अपने अपने न्यूक्लोफाइल यानी कि अपने साइनाइड आयन को अप्रोच कराना है कार्बोनाइल कंपाउंड में और अप्रोच आपने कराया और आपको मिल गया साइनोहाइड्रोन कितना इजी था तो पहले स्टेप में जस्ट आपने इतना करना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप बोल रहा है आपको कंडेंसेशन रिएक्टेड बिटवीन द साइनोहाइड्रिन एंड द सेकेंडरी बेन्जेल अब आपने क्या करना है ये जो आपको साइनोहाइड्रिन मिला है बोल रहा है ये जो आपने साइनोहाइड्रिन बनाया है इसका आप अप्रोच करो बोल रहा है अब आपको साइनोहाइड्रिन मिल गया इसका आप अप्रोच करो आपका जो दूसरा रिएक्टेन मॉलिक्यूल था वो भी आपका बेनजेलडीहाइड ही तो था आपने अभी साइनोहाइड्रिन का अप्रोच कराना है दूसरे बेंजेलडीहाइड यानी कि दूसरे रिएक्टेंट से ठीक है तो हुआ क्या आपने साइनोहाइड्रिन लिया अब साइनोहाइड्रिन में देखो मैंने यहाँ पर जो सीएम था उसको मैंने खोल के लिख दिया कार्बन ट्रिपल पॉइंट नाइट्रोजन ओके अब देखो मैंने क्या बोला आपने यहाँ से हाइड्रोजन एटम लिया था क्यों लिया था ताकि रिएक्शन को प्रोसीड कराओ आप साइनोहाइड्रिन बना चाहो अब होगा क्या इसी हाइड्रोजन एटम को आप रिएक्शन से बाहर निकाल देंगे क्योंकि आपने हाइड्रोजन एटम का यूज सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए किया था तो देखो जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल से क्या है हाइड्रोजन निकाला तो आपको पता है वाटर कैसे टूटेगा एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव तो ये OH आयन अभी भी रिएक्शन कंडीशन में प्रेजेंट है तो क्या होगा ये जो ओ एच नेगेटिव आयन है अब यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा ठीक है अब आप बोलेंगे यहां से क्यों हाइड्रोजन को निकाल रहा है हमने तो हाइड्रोजन इसको दिया था यहां पर हमने ऑक्सीजन को दिया था ना हाइड्रोजन एटम तो हम

एटम तो दोनों पॉजिटिव है ना तो इसलिए आप ऐसे माइंड पर रख सकते हैं कि आप यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे ना कि ऑक्सीजन से ठीक है तो अब हुआ क्या हाइड्रोक्सीड जो रिएक्शन कंडीशन में प्रेजेंट था इसने अप्रोच किया एच पॉज यहां से हाइड्रोजन को निकाला तो यहां से बॉन्ड क्लीव हुआ तो आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन में से अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा है तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड जैसे ही क्लीव होगा नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा और ये अप्रोच करेगा ओ एच नेगेटिव आयन से और आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो जो एच पॉजिटिव आयन का आपने रिएक्शन को प्रोसीड कराने में यूज किया था उसको आपने रिएक्शन कंडीशन से एलिमिनेट कर दिया वापस से इतनी चीज क्लियर है क्योंकि वो रिएक्शन में है ही नहीं वो तो जैसे हमने हेल्प ली थी उसकी तो हेल्प ली तो उसे वापस भी कर दिया ठीक है तो ये हमको यहां पर ऑप्टेन हो गए ठीक है ये हमको गई पर फर्स्टली देखो ये हमको हुई ठीक है कहा से हुई यहाँ पे जो हमने साइनोहाइड्रेन बनाया था वहां से भी क्योंकि हमने साइनोहाइड्रेन के को बनाने के लिए जो हाइड्रोजन लिया था उसको हमने एलिमिनेट भी करना है वो हमने कर दिया ओके अब होगा क्या देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि आपके इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव करना है

साइनोहाइड्रिन को सॉल्व करके मैंने ये स्पेसीज बनाई ओके, अब होता क्या है ना यहाँ पर देखो हमने क्या किया ये जो स्पेसीज बनी अब देखो कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है आपने यहाँ से जैसे हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि कार्बन एक टाइप की पॉजिटिव है ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इसको क्या करना होगा अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर से हटाना होगा तो ये क्या करेगी आपको पता है नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आसानी से यहाँ कन्वर्जन हो सकता है तो ये नेगेटिव चार्ज को ये कार्बन क्या करेगा यहाँ की ओर शिफ्ट कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा ये बन गया डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो ये कार्बन तो सेटिस्फाई है देखो इसकी बैलेंसी भी पूरी है फोर बैलेंसी है साथ ही साथ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी एलिमिनेट हो गया ओके अब क्या होगा ये कार्बन तो बिल्कुल खुश है लेकिन ये साइनाइट का ये जो कार्बन एटम है ये अब खुश नहीं है क्यों क्योंकि ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है पांच बॉन्ड तीन बॉन्ड यहाँ से दो बॉन्ड यहाँ से तो ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलेगा एक यहां से जो पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है इसे शिफ्ट कर देगा नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर क्यों क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो यहाँ से बॉन्ड गया और आपको क्या देखने को मिला नाइट्रोजन के ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज तो अब ये स्पेसीज यहाँ पर स्टेबलाइज होगी तो देखो ये स्पसीज आपको यहाँ पर देखने को मिली यही बनी ना तो हमने बस बॉन्ड की शिफ्टिंग की है ये आपको देखने को मिला ओके अब देखो यहाँ पे भी आपको एक न्यूक्लोफाइल देखने को मिल रहा है देखो, हमने हमारा क्या है साइनोहाइड्रिन से न्यूक्लोफाइल बनाया और क्यों न्यूक्लोफाइल मतलब ऐसी स्पेस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आपकी स्पेसिस बन गई क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ओके okay? बट मैंने आपको क्या बोला कि हमने जो बनाना है वो कार्बन सेंटर का बनाना है मतलब ऐसा न्यूक्लोफाइल चाहिए हमको जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर रखी हु क्योंकि इन कंडेंसेशन रिएक्शन में हमको क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है ना कि नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड बनाना है अब आप वही चीज देखो मैं जैसे पहले बोल रही थी अगर यहां पर मेरा क्या है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अगर नाइट्रोजन मेरा न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और सपोज मैंने कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल दूसरा जो बेंजल है उसको मैंने कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बना दिया तो ये दोनों डायरेक्ट अप्रोच करेंगे और अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा यानी कि एक नया बॉन्ड किसके बीच में बना नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बना तो क्या हमको नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड चाहिए नहीं चाहिए हमको चीज़ क्या चाहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कब मिलेगा जब हमारा जो न्यूक्लोफ्लिक सेंटर होगा वो भी कार्बन का होगा और जब हमारा इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर है वो भी कार्बन का होगा तो जब ये दोनों अप्रोच करेंगे हमको एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑप्टेन होगा ओके तो यहां पे हमारा क्या है नाइट्रोजन के हमारी ये तो मिल गई हमें एक न्यूक्लोफ्लिक स्पेस तो मिली बट ये न्यूक्लोफ्लिक स्पेस क्या है हमारी हमको नहीं चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमको चाहिए नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ताकि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए तो वो हमारा अप्रोच करके एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड थे तो हम इसको दोबारा से शिफ्ट करेंगे और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो कैसे नेगेटिव चार्ज आएगा देखो यहाँ पर अगेन जो हमने इस पहले यहां ली थी वही हमको लेनी पड़ेगी हम क्या करेंगे देखो नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है इसे हम बैक अटैक कराएंगे यहाँ पर क्या लगेगा जैसे यहाँ पर बता देखो मैं वापस से दिखा रही हूं यहाँ पे इसका देखो इसका बैक अटैक नीचे की ओर हुआ जिसकी वजह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज गया अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना तो ये वाला कार्बन एटम अनस्टेबल हो गया ये क्या करेगा ये वाले बॉन्ड को नीचे की ओर शिफ्ट करेगा और अगर ये बॉन्ड नीचे की ओर शिफ्ट हो गया तो कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा नेगेटिव चार्ज यानी की वही स्पीसीज आपको पहले वाली स्पीसीज गई जो आपने क्या किया था जब हाइड्रोजन को रिमूव किया था यानी कि किया था उस टाइम पर ऑप्टेन हुई थी कहा से साइनो से इतनी चीज क्लियर आई तो यही स्पीसीज आपको मिल गई और ये स्पीसीज यहाँ पर क्या है एज ए न्यूक्लोफाइल की तरह बिहेव करेगी ये हमारा रिएक्टेंट फर्स्ट से ऑप्टेन होने वाला न्यूक्लोफाइल है ओके अब हमने पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से तो न्यूक्लोफाइल बना दिया अब हमको दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या बनाना है इलेक्ट्रोफाइल तो देखो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ लिया देखो इसी को मॉडिफाइड यहाँ कर रखा है ठीक है तो मैं इसको ऐसे बना दू चलो यहीं से आप समझ सकते हैं ना यही तो है ठीक है हुआ क्या अब हमने हमारा दूसरा रिएक्टेड मॉलिक्यूल लिया जो था सेकेंड बेंजल इसको हमने क्या बनाना है इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर क्योंकि एक न्यूक्लोफ्लिक सेंटर है तो एक को हमने इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर बनाना होगा तो हमने क्या किया देखो हमने कुछ नहीं किया ये है हमारा बैनजर तो इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर कैसे बना सकते हैं आपको पता है ये बॉन्ड को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे का ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज जैसे अभी हमने ऊपर किया तो बन गया हमारा ये इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर ये बन गया पॉजिटिव सेंटर वो भी किसके ऊपर कार्बन के ऊपर कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल बन रखा है यहां पर कार्बन का ही न्यूक्लियोफाइल बन रखा है अब हम क्या करेंगे कुछ नहीं होगा यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच कंड मतलब यहां पर मैंने क्या बोला आपको डायरेक्ट अप्रोच कराना है कंडेंसेशन मीन एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल को आप न्यूक्लोफाइल में कन्वर्ट कर दो एक को किस में कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रोफाइल में और दोनों कार्बन की स्पीसीज होनी चाहिए और इन दोनों को डायरेक्ट कपल कर दो आपने इस सेंटर को यहाँ कपल कर दिया तो देखो आपको क्या मिला बेंजीन है बेंजीन के साथ कार्बन कार्बन के ऊपर साइनाइड ग्रुप साइनाइड ग्रुप इस कार्बन ने एक नया बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ तो देखो एक नया बॉन्ड आपको ये सीसी बॉन्ड आपको देखने को मिला ओके ये सीसी बॉन्ड अगर ये स्पीसीज लेते तो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड आपको मिलता जो कि हमें नहीं चाहिए ठीक है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड मिला उस इस कार्बन के पास क्या है एक बेंजीन की रिंग है एक ऑक्सीजन नेगेटिव एक हाइड्रोजन है तो एक बेंजीन की रिंग एक ऑक्सीजन नेगेटिव एक हाइड्रोजन तो ये स्पेसिज हमको यहाँ पर ऑप्टेन हो गई ठीक है अब इस स्पेसीज में ही बात खत्म नहीं होने वाली है अब आपको ये तो आपने कर दिया अब आप थोड़ा सा आगे को भी प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर थर्ड में तो okay? तो देखो अब आप क्या करेंगे इसके बाद इसके बाद एक चीज ध्यान में रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आपका बेंजोइन बनने के लिए तैयार है ओके okay? लेकिन आपने बेंजोइन के स्ट्रक्चर पे देखा था आपके पास कीटो ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ भी आपको ये नीचे जाएगा तो कीटो मिल जाएगा यहाँ हाइड्रोक्सी मिला हुआ है बाकी है लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल ग्रुप है वो है साइनाइड ग्रुप ओके तो इसको बेंजोइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले साइनाइड ग्रुप को निकालना है तो साइनाइड ग्रुप को निकालने के लिए आपको थोड़े से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओके तो वाटर मॉलिक्यूल का अगेन आप यूज करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे स्प्लिट होता है आपको पता है एच पॉजिटिव एन ओ एच नेगेटिव आइन में और आपको पता है एच पॉजिटिव किससे अप्रोच करेगा यहाँ पर ओ नेगेटिव एन से क्योंकि ओ नेगेटिव एन फ्री है इसके साथ अप्रोच करेगा एच पॉजिटिव आयन और दोनों अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों कार्बन आइटम के पास क्या हो जाएंगे हाइड्रोक्सिक ग्रुप आपके पास हो गए ठीक है अब हमने ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अब देखो अब होगा क्या जैसे मैंने बोला कि वाटर का यूज आपने किया रिएक्शन को प्रोसीड कराने में वाटर का रिएक्शन के अंदर कोई काम नहीं है ये जस्ट रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा इससे ज्यादा इसका काम नहीं है तो वाटर से जो आपने एच पॉजिटिव आइन लिया है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए

उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ देखिए अगर सपोज आपने यहाँ से एच पॉजिटिव आय निकाल पहले यहीं से दिखा देती सपोज़ आपने यहाँ से एच पॉजिटिव आय निकाला तो आपको पता है जैसे यहाँ से एच पॉजिटिव आय जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज यहां से एच पॉजिटिव आयन आपका बाहर निकला ये दोनों कंबाइन करके अगेन वाटर मॉलिक्यूल आपके बन गए ठीक है जिन्हें आपने बेकार किया था वो आपको वापस से मिल गए ओके अब होगा जैसे यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है और अगर जैसे यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जैसे सपोज यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो ये कार्बन एटम की क्या हो जाएगी वैलेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन पांच वैलेंस यानी कि पेंटा वैलेंसी शो कर रहा है तो कार्बन पेंटा वैलेंसी शो करेगा तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा तो कार्बन अपने आप को

ये अगर मैं यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकालूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा H पॉजिटिव आयन तो मिल जाएगा यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर मेरे कार्बन के ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये species क्या हो जाएगी मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली इस रिएक्शन के अंदर ओके सिमिलरली अगर मैंने यहां से पॉजिटिव आयन निकाल दिया तो यहाँ पर मेरा अगेन ओ नेगेटिव आयन लग जाएगा यानी कि वही स्पेसीज मुझे जैसे ऊपर स्पीसीज ऑपरेन हुई थी सेम स्पेसीज वापस से मिल जाएगी जो कि रिएक्शन को क्या आगे को प्रोसीड नहीं करने देगी वहीं पर स्टॉप कर देगी ठीक है इतनी चीज क्लियर आए इसलिए क्या है हम लोग यहाँ से ये दोनों से रिएक्शन निकाल एच पॉजिटिव एन निकालने की बजाय ऊपर वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन से एच पॉजिटिव निकालने को ज्यादा प्रेफर करेंगे ठीक है तो हमने क्या किया वही चीज बता रही वापस से एच पॉजिटिव एंड निकाला

कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन में कार्बन कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके एडजेसेंट पोजीशन में अगेन बेंजीन, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसे आप बोलेंगे बेंजोइन, बेंजोइन मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो यानी कि ये जो कीटो ग्रुप है इसकी अल्फा पोजीशन में कौन सा ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ये बन गया आपका बेंजोइन तो यही चीज तो आपने करनी थी आसान थी ना मैकेनिज्म तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको डेफिनेटली क्लियर होगा आप जिस ना पॉइंट माइंड पर रखिएगा कि क्या क्या चीज आपने करनी है बाकी की जब आप देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम हा, ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये हमारे तीन स्टेप हो गए मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन की ठीक है तो इतनी चीज क्लियर आई ना हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म अब आगे प्रोसीड करते हैं हमारे तीन पॉइंट पे एग्जांपल स्टीरियो केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ओके तो आगे बढ़ी अब एग्जांपल स्टीरियो केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन क्या है तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ओके रियक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है? तो है, है, है वो दोनों एल्डिहाइड के तो मॉलिक्यूल है बट दोनों अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है आप देख सकते हैं ये भी का कंपाउंड है ये भी एल्डिहाइड का कंपाउंड है लेकिन ये जो एल्डिहाइड का कंपाउंड है वो आपका कैसा है एरोमेटिक और ये कैसा है एलिफेटिक तो एक है, है, एक यानी कि यहाँ पर जो तो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अलग अलग टाइप के तो है लिए है, हैं तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा में मिलता है तो देखो यहां पर हमने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग लिए इसकी वजह से जो हमको हाइड्रोक्सी कीटो मिला उसमें हमारे पास जो ये कायरल सेंटर है यहाँ पे आपको क्या है आपको दो अलग अलग टाइप के आइसोमर देखने को मिले एक एस आइसोमर एक आर आइसोमर यानी कि इनके लिए अलग अलग टाइप के कॉन्फ्रेशन एक्सिस्ट करते हैं ओके? अब देखो ना यहाँ पर आप पूरी पूरी मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं वरना आप सिंपली ऐसे भी माइंड पर रख सकते हैं कि देखो ये आपका एक ग्रुप है आपका एक ग्रुप है ये आपका एक आर ग्रुप है ठीक है और ये पूरा आपका एल ग्रुप है इतना पूरा और ये आपका पूरा एल ग्रुप है ठीक है तो होता क्या है कॉर्नर्स पे तो आपकी यही ग्रुप आए एक जगह बेनजीन आया एक जगह आर आया ठीक है थीके? ये आपका आर ग्रुप ये आपका बेंजीन ग्रुप ओके अब इनकी एडजस्टेंट पोजिशन में इनकी अल्फा पोषन में कार्बन का है यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है इसकी एडजिस्टेंट पोजिशन में भी इसकी एडजस्ट पोजिशन में भी तो देखो ये वाला बेंजीन के एडजिटेंट पोजिशन का कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन ये और आर के एडजिशन यानी कि एलिफेटिक कार्बन का जो चेन है उसकी एडजिस्टेंट पोजिशन में जो कार्बोन ग्रुप है उसका कार्बन ये ओके okay? और आपको पता है जब भी ये दोनों आपस में एड करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये दोनों क्या है आपस में एक लिंक बनाएंगे यानी कि आपस में कपल करके एक नया सीसी बॉन्ड बनाएंगे तो जो नया सीसी बॉन्ड बना वो ये सीसी बॉन्ड है ओके और आपको पता है यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो आपका ये कीटो था तो आपने इसकी अल्फा पोर्सन में क्या लगा दिया हाइड्रोक्सी ओके अब हुआ ये है कि जो अल्फा पोर्सन में हाइड्रोक्सी लगा है वो कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है वो द प्लेन है या बिलो द प्लेन है उसके बेसिस पर आपको दो अलग अलग टाइप के आइसुमर्स मिले हैं तो देखो अगर आपका हाइड्रोक्सी डैश में है तो अगर आप यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्फ्रिगेशन निकालेंगे तो आपको एब्सोल्यूट मिलेगा एस आइसोमर और अगर जब आपका हाइड्रोक्सी चला गया वेज में तो उस केस में अगर आप एब्सोल्यूट कॉन्फ्रिगेशन निकालेंगे तो आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ्रिगेशन मिलेगा आर आइसोमर इट मीन आपको ये चीज यहाँ पर स्टीरोमिस्ट्री में बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइट एज अ

तो देखो अब हम बात करते हैं यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन ओके तो यूजेस क्या रहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन के तो देखो यहां पर लिखा हुआ है ये बोल रहा है द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन हैज एप्लीकेशन इन एन वेरियस ऑर्गेनिक सिंथेसिस ओके तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन है इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्यों इंपॉर्टेंस है क्यों इसकी एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पर को जो ये बेंजोइन कंडेंसेशन है इसका बहुत ज्यादा रोल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करानी है तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि बेंजोइन कंडेंसेशन से ऑप्टेन होते हैं या फिर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इसलिए बेंजोइन कंडेंसेशन की क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी एप्लीकेशन है तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला एग्जांपल ये बोल रहा है ये बोल रहा है बेंजोइन इन मेड टू यूज द हार्डनिंग ऑफ अ डिफरेंट पॉलीमर बाय द यूज ऑफ माइक्रो इमल्सन ओके तो ये क्या बोल रहा है इसका बोलना है कि जैसे आप बेंजोइन कंडेंसेशन कराते हैं तो आपको पता है बेंजोइन कंडेंसेशन का एंड प्रोडक्ट आपका होता है अल्फा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीिकीटो यानी कि बेंजोइन ग्रुप ओके तो ये बेंजोइन जो आपका एंड प्रोडक्ट है आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन का इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ये बोल रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये यूज किया जाता है पॉलीमर्स की हार्डनिंग के लिए ओके तो पॉलीमर्स की अगर आप हार्डनिंग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द यूज ऑफ माइक्रो इमल्शन तो उस केस में आप बेंजोइन का भी यूज कर सकते हैं तो अभी आप पहली एप्लीकेशन देख रहे हैं कि बेंजोइन का यूज हम कर रहे हैं हार्डनिंग ऑफ पॉलीमर्स आपने ये चीज क्लास ट्वेल्थ पे भी पढ़ी है पॉलीमर्स की हार्डनिंग करना तो वही चीज है अगर आपने पॉलीमर्स की हार्डनिंग करनी है तो आप यहाँ पर को बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन का यूज कर सकते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन का जो एंड प्रोडक्ट है उसका यूज करके आप पॉलीमस की हार्डनिंग कराते हैं इतनी चीज क्लियर आई दूसरी एप्लीकेशन क्या है

अगला एप्लीकेशन किया है ये बोल रहा था रिएक्शन आल्सो फाउंडल थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है इसे सही कर लीजिएगा रिएक्शन ऑल्सो फाउंड ऑल्सो एप्लीकेशन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए पॉलीमर एज वेल कंडेंसेशन ऑफ ए न्यू मोनोमर्स, ओके तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपकी आ ये जो रिएक्शन है, है कि इसका यूज किया जाता है फॉर दिंथेसिस ऑफ पॉलिमर्स पॉलिमर की क्यों क्योंकि आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर को ये बेंजोइन कंडेंसेशन में हम एक नए सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ओके okay? और नए सीसी बॉन्ड जैसे जैसे बनते जाएंगे आपको एक नया चेन एक लंबी चेन आपको ऑप्टेन होगी और ये लंबी चेन को आप क्या बोलते हैं पॉलीमर्स तो यहाँ पे भी क्या होता है ये बेंजोइन कंडेंसेशन की हेल्प से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर्स का प्रोडक्शन के लिए भी आप इसका यूज करते हैं साथ ही साथ कंडेंसेशन ऑफ न्यू मोनोमर्स कंडेंसेशन ऑफ न्यू मोनोमर्स मतलब जो आपकी छोटी छोटी यूनिट है उनको कंबाइन करके एक लॉन्ग यूनिट में कन्वर्ट करना उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करना इसके लिए भी आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन काफी यूजफुल रहती है ठीक है इतनी चीज क्लियर आई तो ये आप यूजेस में एड कर सकते हैं अब लास्ट चीज आती है हमारी एक्साम्पल ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन इसमें आपने जस्ट दो एग्जाम्पल यहां पे शो कराने हैं पहला एग्जाम्पल आपका कुछ इस टाइप का है दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का ठीक है तो पहला एग्जाम्पल आपको क्या बोल रहा है तो देखो ये बोल रहा है देखो ऑफ ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन सम द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन आर गिवन बिलो तो पहला एग्जाम्पल बोल रहा है द एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन आपको पता है ये एन कार्बन हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं ठीक है एज अ कैटलिस is बोल रहा था एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बिन कैटेलाइज रिएक्शन विद द कीमोसेलेक्टिव बिहेवियर ओके कीमोसेलेक्टिव कीमोसेलेक्टिव बिहेवियर बिहेवियर मतलब मतलब कि आपके पास होंगे तो रिएक्शन कंडीशन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बट उन फंक्शनल ग्रुप में से भी आपकी सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप यहाँ रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे मतलब आपने जो रिएक्शन करानी थी वो रिएक्शन हुई जबकि आपके रिएक्शन कंडीशन में आपके पास और सारे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट थे जो रिएक्शन कर सकते थे ठीक है तो ये होती है कीमोसेलेक्टिविटी यानी कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी आपके सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप ने रिएक्शन की तो ये बोल रहा है कि यहां पे आप देख सकते हैं आपने दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए हुए एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है यानी कि बेनजी है दूसरा आपका एलिफेटिक है ओके तो इनके केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप जो रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हेट्रोसाइक्लिक की में करा रहे हैं और आफ्टर रिएक्शन आपको आपका अल्फा हाइड्रोक्सी टाइप प्रोडक्ट की ऑप्टेन हो रहा है यानी कि आपको पे ऑप्टेन हो रहा है ओके अब बोल ये जो रहेन हुआ है ना ये कीमो सेलेक्टिवलीप्टे हुआ है ठीक है बेजोइन जो ऑप्टेन हुआ है वो कीमोसेलेक्टिवलीप्टेन हुआ है क्योंकि रिएक्शन कंडीशन में क्या है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनने के चांसेस थे बट यहाँ पर क्या हुआ कीमोसेलेक्टिव बिहेवियर हुआ है कीमोसेलेक्टिव Behavior, मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप ने सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली रिड्यूस किया किया रिएक्शन में पार्टिसिपेट इन्वॉल्व हुए ठीक है तो एक आप ये बता सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल ये बताए तो अब ये सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसे ध्यान से सुनेगा कंडेंसेशन का दिया है वो एक टाइप का क्रॉस रिएक्शन का इसने एग्जाम्पल दिया नॉर्मल बेंजोइन रिएक्शन नहीं है ये एक टाइप की क्रॉस सिलाइल बेंजोइन रिएक्शन है ओके okay? अब क्रॉस सिलाइल बेंजोइन रिएक्शन क्या होता है तो देखो इस केस में जो आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे वो नॉर्मल नहीं मिलेंगे तो देखो यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ठीक है ये तो आपका एल्डिहाइड हो गया और ये जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये क्या है इसे आप बोलते हैं असायल सिलेन ओके ये है आपका असाइल सिलेन ग्रुप ओके अब असायल सिलेन ग्रुप और अगर आप एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन कराते हैं इस टाइप के रिएक्शन को आप बोलते हैं क्रॉस सिलाइल बेंजोइन रिएक्शन ओके

मिथाइल यानी कि si के पास कितने ग्रुप लगे हुए मिथाइल के बदले यहाँ पर अगर अब हुआ क्या इसके एडजस्टेंट पोजिशन में डबल बॉन्ड ओ तो आपने इसके एडजस्टेंट पोजिशन में डबल बॉन्ड ओ लगाया इसके एडजस्टेंट पोजिशन में भी डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ पर हमने क्या किया देखो इसकी इसको बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट किया इसके ऊपर लगाया नेगेटिव चार्ज अगर ये दोनों बॉन्ड को अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे देखो अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको पता है एसआई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन के कंपेयर में तो एस SI को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज ठीक है तो हुआ क्या हमको क्या चाहिए एक कार्बन सेंटर चाहिए पॉजिटिव एक कार्बन सेंटर चाहिए नेगेटिव तो यहाँ हमको कार्बन सेंटर मिल गया नेगेटिव अब एक कार्बन सेंटर पॉजिटिव चाहिए तो कहाँ मिलेगा देखो हम अगर इस बॉन्ड को ऊपर चेंज करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कार्बन सेंटर पॉजिटिव ठीक है और ये कहाँ अप्रोच कर जाएगा इस पोजिशन में तो हमको क्या मिलेगा देखो आर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ठीक है उसके बाद एक ये वाले पोजिशन में कार्बन आइटम था ये देखो यहाँ पर इतना हमने खत्म किया मैं इस बॉन्ड को हटाती हूँ हमने इतना किया ठीक है इस पोजिशन में क्या है कार्बन कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ये आपका एस आई थ्री अटैच हो गया अगली पोजिशन में हो गया आर ठीक है अब हुआ क्या इसकी पास है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पॉजिटिव इसके पास है कार्बन नेगेटिव यानी कि ये कार्बन सेंटर न्यूक्लोफाइल हो गया ये कार्बन सेंटर इलेक्ट्रोफाइल हो गया अब ये दोनों अप्रोच करेंगे आपको है ये चीज हमारा होता है ये दोनों अप्रोच करा के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे देंगे ठीक है हाँ ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर को दे देंगे तो ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा अब आप बोलेंगे भाई, हमने तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जो एंड प्रोडक्ट चाहिए वो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिकटो चाहिए बट यहाँ तो आपका कीटो है बट इसकी अल्फा पोर्शन में तो कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है तो होता क्या है कि आपके रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती आप इसे फर्दर रिएक्शन कराते हैं यानी कि फर्दर आप इसमें क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं ठीक है तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको क्या बताया था कैसे करना है आप क्या करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं होता क्या है कि आपका हाइड्रोलिसिस में आपने कुछ नहीं करना है आप जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अप्रोच कराते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर पे तो देखो ऑक्सीजन और एस आई में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की एसआई si की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो एसआई si के ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज तो अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऑक्सीजन को जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एस si आई को जाएगा नेगेटिव चार्ज तो हमारी रिएक्शन के बाद हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको कुछ ऐसा मिलेगा आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर मिलेगा o के साथ आया अब H और यहां पर आपको मिलेगा R. तो अब मिल गया हमको ये हमारा keto group है keto की कि में क्या हो गया Hydroxy group. मन गया हमारा हमारा चीज़ क्लियर करना और हमारा बाहर क्या निकला एस SI के साथ जो हमारा इटी अप्रोच कर रहे थे तीन ईटी इनके साथ हमारा कौन सा ग्रुप अप्रोच कर गया ओ OH एच ग्रुप अप्रोच कर गया ये हमको बाहर एलिमिनेट हो गया तो ये रिएक्शन हमारी किसकी रहती है क्रॉस सिलाइल बेनजोइन रिएक्शन तो आप इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है इतनी चीज क्लियर आई बाकी ये जो था ये तो आप समझ गए होंगे ये ये तो नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन है 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 ठीक 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 आप इसमें करवा के प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वही चीज है, अब क्या हुआ हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हमारी हमने क्या जिस डिस्कस की इंट्रोडक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म कर ली एग्जाम्पल स्टीरियो केमिस्ट्री एप्लीकेशन भी कर ली ओके तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है आज के लेक्चर पे हमने बात की बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन पे अब हम फिनिश करते हैं इस लेक्चर को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर नाइन्थ में जिस पर हमारी नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन यानी पर कि परकिंस कंडेंसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे तो तब तक के लिए यहीं पे लेक्चर को फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय